हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइनर डिसऑर्डर्स इन न्यूबॉर्न एंड इस ट्रीटमेंट। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। द माइनर डिसऑर्डर्स आर मोस्ट कॉमन अमंग न्यूबॉर्न्स, नेगलेक्टिंग द माइनर हेल्थ प्रॉब्लम इन वन ऑफ द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी रेट। जो माइनर डिसऑर्डर्स होते हैं न्यूबॉर्न में, वो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होते हैं न्यूबॉर्न्स में, ठीक है। अगर उनकी नेग्लिजेंट की जाए, उनको नेग्लेक्ट किया जाए, तो वो बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी रेट भी में इंक्रीजमेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ टर्म न्यूबॉर्न या न्यूनेट क्या होता है कि बर्थ के 28 डेज तक जो बेबी होता है उसको न्यूबॉर्न या न्यूनेट बोलते हैं, ठीक है। और माइनर डिसऑर्डर्स जैसे कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी, माइनर एलिमेंट्स आर ए फिजिकल कंडीशन इन विच देयर इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग। मतलब जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं आर जो कि ऐसी फिजिकल कंडीशन होती हैं जिसमें कि नॉर्मल फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूशन करें। स्टफी नोज या कंजस्टेड नोज भी बोलते हैं इसको, तो ये क्या करता है, स्टफी नोज क्या लीड करती है, लीड टू माउथ ब्रीथिंग। माउथ ब्रीथिंग के लिए बेबी को ये लीड करती है एंड एक्सेसिव एयर स्वॉलिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, बेबी एक्सेसिव एयर का स्वॉलिंग कर लेता है, ठीक है। अगर माउथ से ब्रीथिंग करेगा तो एक्सेसिव एयर स्वॉलिंग कर लेगा, क्योंकि नोज जो है वो स्टफी है, उसकी कंजस्टेड नोज है। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, नोस्ट्रियल क्लीन्ड बाय कॉटन वूल सोक्ड विद नॉर्मल सेलाइन एंड नेजल स्प्रे और ड्रॉप्स कैन यूज। ओके, स्टिकी आइज, सेकंड है स्टिकी आइज ड्यू टू केमिकल इरिटेशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। कोई बैक्टीरियल इरिटेशन, केमिकल इरिटेशन के कारण या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये जो है स्टिकी आइज हो सकती हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एरिथ्रोमाइसिन 0.5% ऑइंटमेंट यूज एवरी 6 आवरली फॉर 7 to 10 days। ओके, उसके बाद में स्किन रेसेस में स्मॉल पैटिसीज यूजुअली टू नेपकिन्स एरियाज में इन्वॉल्व ग्रोइन एक्जिला फेस लेग एंड बैक, ठीक है। जो स्किन रेसेस मतलब स्मॉल पैचेसेस होना, यूजुअली नेपकिन्स एरिया पर, ग्रोइन एक्जिला पर, फेस पर, लेग्स पर या बैक में होना, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, फ्रीक्वेंट केयर इनका ट्रीटमेंट है। मतलब अगर नेपकिन्स है तो उसको बार बार में चेंज करना, अगर ज़्यादा वो बार बार गिली हो रही हैं तो चेंज करना, बार बार में नेपकिन्स को चेंज करना, ठीक है। और वहाँ पे स्किन को ड्राई रखना। ओरल थ्रस इट इज़ फंगल इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय वाइट पैचेस इन द माउथ एंड टंग, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि वाइट पैचेस होते हैं माउथ और टंग पर। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, शुड बी ट्रीटेड मदर्स वेजाइनली कैंडिडियासिस ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, ठीक है। जो एंटीनेटल पीरियड में अगर मदर को वेजाइनल कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीटमेंट करना। आफ्टर ईच फीड क्लीन द बेबी, हर फीड के बाद में बेबी के माउथ को क्लीन करना, ठीक है, और मदर के निप्पल को भी क्लीन करना है साथ में। उसके बाद में न्योनेटल जॉइंडिस में इट इज येलो कलर और स्किन यूजुअली अपीयरिंग ऑन द फेस, चेस्ट, एब्डोमन एंड लेग्स, ठीक है। मतलब फुल बॉडी बेबी की साथ में स्किन और का येलो होना, ठीक है, फेस, चेस्ट, एब्डोमन और लेग्स की स्किन का येलो होना, ठीक है, और आइज भी येलो हो जाती है इसमें, ठीक है, और एक्सेसिव बिलरुबिन होता है ब्लड में। इसका ट्रीटमेंट कैसे कहते हैं, यूजुअली करेक्टेड इटसेल्फ, जनरली क्या होता है कि अपने आप ही ठीक हो जाता है कुछ दिन में, लेकिन अगर अपने आप ठीक नहीं होता है तो बेबी को फोटोथेरेपी में रखना पड़ता है। उसके बाद में है एनगोर्ज ब्रेस्ट, ड्यू टू मैटरनल हॉर्मोन्स ब्रेस्ट बिकम स्वालूंग। इसमें क्या होता है, बेबी के ब्रेस्ट जो होते हैं वो स्वालूंग हो जाते हैं ड्यू टू मैटरनल हॉर्मोन्स की वजह से।
ट्रीटमेंट क्या होता है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, डू नॉट स्क्वेज द ब्रेस्ट, कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है और ब्रेस्ट को स्क्वेज भी नहीं करना होता, ये अपने आप ठीक हो जाता है। जब मेटरनल हार्मोन का इफेक्ट कम होगा फीटल के ब्लड में तो ये अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, इनग्रोथ ब्रेस्ट। उसके बाद में वोमिटिंग, ड्यू टू फॉल्टी टेक्निक्स ऑफ फीडिंग, फॉल्टी टेक्निक फीडिंग्स के कारण, मतलब फीडिंग की टेक्निक प्रॉपर नहीं है उसके कारण, या फिर स्टेनोसिस के कारण, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण जैसे यूटीआई वगैरह के कारण वॉमिटिंग हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रॉपर पोजिशन, ठीक है, प्रॉपर पोजिशन में प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए। अवॉइड बॉटल फीडिंग, बॉटल फीडिंग को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में है डायरिया, तो डायरिया ड्यू टू इंटेक ऑफ मेटरनल मेडिसिन सच एज एम्पिसिलिन, एनी अदर ड्रग्स, ठीक है, और पुट ऑन एक्सेसिव ब्रेस्ट फीड, ठीक है, और अवॉइड बॉटल फीडिंग, मेंटेनेंस हाइजीन, वॉश निप्पल आफ्टर ईच फीड, ओके। नियोनेटल कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू इनसफिशियंट फ्लूड और मिल्क इंटेक, ठीक है, मोर कॉमन इन बॉटल फीडिंग इन्फेंट, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होगा इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और 1 टीस्पून ट्वाइस ए डेली, ठीक है, अप्लाई लुब्रिकेंट ओवर एलर रीजन, ठीक है, ताकि वहाँ पे बच्चे को इरिटेशन ना हो। उसके बाद में सोर बटक्स, सोर बटक्स क्या होता है, ड्यू टू फ्रीक्वेंट लूज स्टूल, पुअर हाइजीन, और बार बार लूज स्टूल की वजह से, पुअर हाइजीन की वजह से सोर बटक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए ये 5 तरह के होते हैं, जैसे स्लाइटली माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर एंड वेरी सीवियर होते हैं ये सोर बटक्स, ठीक है। इनका ट्रीटमेंट, इनका ट्रीटमेंट कैसे कहते हैं, चांसेस पोजिशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, चेंज पोजिशन टाइम टू टाइम, ठीक है, पुट बेबी इन लेटरल और प्रोन पोजिशन, ठीक है, अप्लाई कोकोनट ऑयल। उसके बाद में डायपर रैशेस, तो डायपर की वजह से जो रैशेस होते हैं, लॉन्ग टाइम तक डायपर पहनाने की वजह से ड्यू टू वेट डायपर, डायपर रैशेस हो जाते हैं बेबी में। चेंज वेट डायपर फ्रिक्वेंटली, कीप डायपर एरिया ड्राई एंड क्लीन बाई पेटिंग, डू नॉट रब, ओके। उसके बाद में हिकअप्स एंड स्नीजिंग, हिचकी और छींक आना, हिकअप्स अकर इमीडिएटली आफ्टर फीड ड्यू टू स्टमक डिस्टेंशन एंड इरिटेशन ऑफ डायफ्राम, ठीक है, उसकी वजह से हिकअप्स आते हैं। और स्नीजिंग क्यों आती है, अकर्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ नोस्ट्रियल, ठीक है, इट शुड बी सक्ड आउट बाय म्यूकस सकर, ठीक है, अगर नोस्ट्रियल में कोई इरिटेंट है तो वो म्यूकस सकर के द्वारा सकआउट कर लेना चाहिए। उसके बाद में फीवर, ठीक है, बेबी में अगर फीवर आ जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, फ्रूट्स हैं उनको ज़्यादा दे सकते हैं, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा करवा सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा दें, मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर करें, ठीक है, ड्रेस योर इन्फेंट कंफर्टेबली, ठीक है, लुक वार्म बाथ दे सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फीवर रिड्यूस हो सकता है। उसके बाद में फेलियर टू पास यूरिन और मेकोनियम, तो हेल्दी बेबी मस्ट पास यूरिन मिकोनियम विद इन 24 आवर्स, ठीक है। मिकोनियम इज फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी विच इज डार्क ग्रीन इन कलर, मिकोनियम फर्स्ट बेबी का स्टूल होता है जो कि डार्क ग्रीन कलर का होता है, और ये 24 आवर्स में मिकोनियम पास कर देता है बेबी, ठीक है, फर्स्ट जो मिकोनियम फर्स्ट स्टूल पास, फर्स्ट यूरिन पास जो होता है 24 आवर में कर देता है नॉर्मल हेल्दी बेबी। इफ बेबी डज नॉट पास देन इमीडिएट इन्फॉर्म डॉक्टर। एक्सेसिव क्राइंग ड्यू टू हंगरी और डिस्कम्फर्ट, ठीक है, ड्यू टू हंगरी के कारण या डिस्कम्फर्ट के कारण, मे बी ड्यू टू फुल ब्लैडर बिफोर पासिंग यूरिन, ठीक है, फुल ब्लैडर के कारण और कॉन्स्टिपेशन के कारण या इंसेक्ट बाइट के कारण एक्सेसिव क्राइंग कर सकता है बेबी। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, फ्रीक्वेंटली फीड द बेबी, ठीक है, चेक फॉर यूरिन एंड मोशन, ठीक है, कवर द बेबी फॉर फ्रॉम इंसेक्ट्स। उसके बाद में एक्सेसिव स्लीपीनेस, तो एक्सेसिव स्लीपीनेस ड्यू टू सेडेशन गिवन टू बर्थ एट टाइम ऑफ लेबर,
अगर लेबर के टाइम पे मदर को कोई सेडेशन दिया गया है तो उसकी उसके इफेक्ट के कारण बेबी एक्सेसिव स्लीपीनेस हो सकता है। सम बेबी स्लीप आफ्टर ए फ्यू सक द बेबी शुड केप्ट अराउज ड्यूरिंग फीड बाय टिकलिंग ऑफ द सोल एंड द बिहाइंड ईयर। ठीक है, तो बेबी क्या होता है, जनरली फीडिंग के दौरान सो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सो जाता है, तो उस कंडीशन में जो क्या होता है कि उसके सोल पर टिकलिंग करना चाहिए जिनकी वजह से वो जाग सके, या फिर बिहाइंड द ईयर ईयर्स के पीछे भी टिकलिंग कर सकते हैं। कैप्यूट सक्सिडेनियम, तो क्या होता है, बोगी डिफ्यूजन इडिमेट स्वेलिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज और स्काल्प ओवर द प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट के ऊपर जो स्काल्प है उसके सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग होना, इडिमेट स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, वो तो उसको कैप्यूट सक्सिडेनियम बोलते हैं। यूजुअली कम टू नॉर्मल इन फ्यू डेज, कुछ दिनों में ये अपने आप नॉर्मल हो जाता है। अम्लाइकल ग्रेनुलोमा, उसके बाद में अम्लाइकल ग्रेनुलोमा साइन, एरिया अराउंड अम्लाइकल कोड बिकम मोस्ट एंड मे स्वेल। ठीक है, तो अम्लाइकल के एरिया के आसपास है वो मोस्ट हो सकता है या फिर स्वेल हो सकता है, उजिंग हो सकती है उसमें से, या फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, ट्रीटमेंट विद सिल्वर नाइट्रेट। तो अम्लाइकल ग्रेनुलोमा के लिए सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। ठीक है, पिंक आई, उसके बाद में पिंक आई कंजक्टिवाइटिस के कारण, या फिर पिंक कंजक्टिवाइटिस जो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा उसकी वजह से पिंक आई हो सकती है, तो उसको दोनों को हम एक तरह से ही बोल सकते हैं, या तो कंजक्टिवाइटिस बोल सकते हैं या फिर पिंक आई बोल सकते हैं। येलो डिस्चार्ज होता है उसमें से। ठीक है, अलोंग विद रेड इरिटेटेड लुकिंग आइज। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, कोल्ड कंप्रेशन टू रेड्यूस स्वेलिंग। ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई एंटीबायोटिक आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट। उसके बाद में बेबी एक्नी, बेबी एक्नी ड्यू टू प्रेगनेंसी हार्मोन विच स्टिमुलाई द ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, वॉश बेबी फेस विद माइल्ड सोप वंस ए डे। उसके बाद में जेनिटल क्राइसिस, तो जेनिटल क्राइसिस में क्या होते हैं, मास्टाइटिस न्यूनेट्रम, मतलब ठीक है, सेकेंड होता है हाइड्रोसील, एंड थर्ड होता है वेजाइनल ब्लीडिंग इन फीमेल बेबी। तो पहला होता है मास्टाइटिस न्यूनेट्रम, जैसे कि इमेज में देख रहे हैं आप, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है इसमें न्यूनेट्रम में। और सेकंड होता है हाइड्रोसील, इसमें क्या होता है कि जो टेस्टिकल्स होते हैं उनमें फ्लूड, उसके आसपास फ्लूड फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो स्क्रोटम है वो हो स्वेलिंग, उसमें स्वेलिंग दिखाई देगी और वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग क्यों होगी, मैटरनल हार्मोन विथड्रॉल के कारण वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, मैटरनल हार्मोन विथड्रॉल के कारण जो फीमेल जेनिटालिया है उसमें से नॉर्मली वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, वेजाइनल डिस्चार्ज एंड और ब्लीडिंग में अकर इन इन्फेंट फीमेल, दिस डिस्चार्ज इज वाइट म्यूकॉइड इन कलर, ब्लीडिंग में अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ विथड्रॉल फ्रॉम मैटरनल हार्मोन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, देर आर यूजुअली ओनली ए फ्यू ब्लड स्पॉट्स सीन ऑन डाइपर्स, द एंटायर प्रोसेस टर्मिनेट इन 1 to 2 days। ठीक है, 1 to 2 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है। ओके, थैंक यू।